हमीरपुर डिग्री कॉलेज परिसर में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का आगाज हो गया है। यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ पंचायती एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर का कॉलेज में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चार दिनों तक चलने वाले यूथ फेस्टिवल में प्रदेश भर के 50 के करीब कॉलेजों के छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यूथ फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर छात्रों ने मंच पर भव्य प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया। इस अवसर पर छात्रों ने पुरानी संस्कृति को संजोने के लिए कार्यक्रम को पेश किया, तो कुछ छात्रों ने अपनी प्रतिभा से छात्रों को हंसने पर भी मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यूथ फेस्टिवल के माध्यम से छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर दिखाने के लिए एक मंच मिलता है और उम्मीद है कि यूथ फेस्टिवल में छात्र अलग छाप छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में 50 से ज्यादा कॉलेजों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। सुजानपुर टिहरा में गांधी जयंती का पर्व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में उपमंडलाधिकारी शिल्पा बरेटा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि स्वच्छता में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी लिखित पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया है। सुजानपुर टिहरा में गांधी जयंती के ऊपर उपमंडलाधिकारी ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान अपनाया और लोगों को स्वच्छता के ऊपर संदेश दिया। वहीं उन्होंने प्लास्टिक के प्रतिबंधित होने का भी संदेश लोगों को दिया। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर ये स्वच्छता दिवस उनके सपने को साकार करने के लिए मनाया जाता है। वहीं इसके साथ साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रही। सुजानपुर महाविद्यालय में माता सरस्वती की मूर्ति की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसको लेकर पीटीए कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव ठाकुर ने ये मूर्ति की स्थापना आज करवाई है। वहीं उन्होंने बताया कि मूर्ति की स्थापना करने से बच्चों को प्रांगण में माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी मन लगेगा। वहीं उन्होंने मां सरस्वती की महिमा का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मां सरस्वती की मूर्ति रखना बड़े ही सौभाग्य की बात है, जिसके लिए उन्होंने कॉलेज प्रबंधक और पीटीएम कमेटी का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने बताया कि मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही सब कार्य स्थित होते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सरस्वती की मूर्ति बहुत ही सुंदर और भव्य बनाई गई है। वहीं पीटीए प्रधान द्वारा हवन का आयोजन भी किया गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी शिल्पा, तहसीलदार अशोक पठानिया, पीटीए अध्यक्ष सुखदेव ठाकुर, महाविद्यालय प्रधानाचार्य वीरेंद्र ठाकुर सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमीरपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम ग्राहक मेला के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रिटेल, कृषि, वाहन, आवास, व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण स्वीकृति योजना के बारे में लगाए गए स्टॉलों में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक नरेंद्र ठाकुर के अलावा हिमाचल और जम्मू राज्य के अंचल प्रबंधक रीता कौल के अलावा पीएनबी मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजूमदार भी उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम ग्राहक मेला पूरे देश के 450 जिला में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 3 से 7 अक्टूबर तक होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के ग्राहक मेलों से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।
अनुराग ठाकुर ने ऋणों में मिलने वाली दिक्कत पर कहा कि ऋण के लिए दिक्कतें ना हो, इसके सरलीकरण के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक अपने स्तर पर प्रयास करके ग्राहकों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आर्थिक मंदी पर कहा कि मंदी के दौर में भारत की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों से आने वाले सालों में सभी को लाभ मिलने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं सरदार पटेल, अम्बेडकर, महात्मा गांधी को भूल जाती है, ऐसी पार्टी से कोई जगह अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आनंद शर्मा अपने मनमोहन समय की सरकार को याद कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शायद कांग्रेस अपनी बंद आंखों से चीजों को देख रही है।